वेलकम टू ईशानी वीडियोस। कुंडली भाग्य से रिलेटेड एक सबसे बड़ी खबर है। अब आने वाले एपिसोड में प्रीता और उसके साथ साथ पलकी को यहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। पलकी के सामने आएगी पुलिस और पुलिस वाले यहाँ पर पलकी को पकड़ कर ले जाएंगे। वरुण का प्लान कामयाब होगा। वरुण का प्लान कामयाब होते ही वरुण काफी ज्यादा खुश हो जाएगा। प्रीता अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाएगी। राजवीर का गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएगा और यहाँ पर प्रीता गुस्से में राजवीर को खरी खोटी सुनाने वाली है। लेकिन आखिर में ऐसा क्या हो गया? इतनी ज्यादा बात कैसे बिगड़ गई? क्या दिखाया जाएगा खास आने वाले एपिसोड में? क्या होने वाला है? सारी बातें आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर। उसे बताने से पहले आप सब जल्दी से एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम आपको ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट हमेशा प्रोवाइड कराते रहते हैं। और साथ ही साथ आप सब जल्दी से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगी और हम आपको ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट प्रोवाइड कराते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं आने वाले एपिसोड के बारे में। तो आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि राजवीर और पलकी यहां पर आमने सामने तो आएंगे लेकिन जेल के अंदर, और उससे पहले काफी ज्यादा बखेड़ा हो चुका है खड़ा, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि राजवीर अब यहाँ पर पूरी तरह से काफी ज्यादा खुश होगा और बाकी सब यहाँ पर बाकी अपने बिजनेस को हैंडल कर रहा होगा। वहीं दूसरी तरफ पलकी और प्रीता ने मिलकर नया प्लान बनाया था कि वो जाएंगे, वरुण को रंगे हाथों पकड़ेंगे और उसके साथ साथ उसका यहाँ पर पूरी तरह से भांडा सबके सामने फोड़ देंगे। लेकिन हुआ तो कुछ यहाँ पर अलग ही, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि वरुण यहाँ पर अब आलिया के साथ में काफी ज्यादा खुश होगा और यहाँ पर मास्क पार्टी एंजॉय कर रहा होगा। उसी दौरान यहाँ पर प्रीता और पलकी भी आएंगे और साथ ही साथ यहाँ पर वरुण के सामने एक सबसे बड़ी सच्चाई आएगी कि आखिर में यहाँ पर वो अकेला नहीं, उसका पीछा किया जा रहा है, जिसके बाद में अब यहाँ पर वरुण नई चाल चलेगा। और उसके साथ साथ उसने कुछ यहाँ पर ड्रग्स डीलर्स को बुलाया था अपने पास में, जो कि वो यहाँ पर आने वाले एपिसोड में उसी से रिलेटेड चाल चलेगा। अब पलकी को फंसाने के लिए उसे यहाँ पर सबसे बड़ा प्लान बनाना पड़ेगा, जिसमें वो यहाँ पर ड्रग्स के कुछ पैकेट्स अब डाल देगा पलकी के बैग के अंदर। और यहाँ पर जो पुलिस आई थी और जिन्होंने रेड की थी, वो पूरी तरह से पलकी के बैग की तलाशी लेंगे और यहाँ पर पलकी की दोस्त उसे गलत समझने लग जाएगी और पलकी को यहाँ पर जेल में डाल दिया जाएगा। प्रीता अपने आप को बचाते हुए किसी ना किसी तरह से पलकी के यहाँ पर सहारे निकल तो जाएगी, लेकिन उसके बाद में यहाँ पर राजवीर से जब यहाँ पर प्रीता की बात होगी तो प्रीता और राजवीर के बीच में लड़ाई होने वाली है। प्रीता यहां पर काफी ज्यादा गुस्से में आकर जवाब दे देगी कि आखिर में पलकी जेल के अंदर है और यहां पर हम क्लब गए थे, इसी वजह से हम पकड़े गए हैं। लेकिन उनका क्लब में क्यों जाना हुआ, कैसे जाना हुआ, इन सभी सवालों का सामना पलकी को करना पड़ेगा। राजवीर तो आया है पलकी को बचाने के लिए, उसे इतना यकीन है कि पलकी ने ऐसा कुछ नहीं किया और पूरा लूथरा परिवार उसके साथ में है, काव्या उसके साथ में है, सब लोग उसके साथ में है। लेकिन यहाँ पर उसे ये जानना जरूरी था कि आखिर में प्रीता और उसके साथ साथ यहाँ पर पलकी दोनों गई तो गई क्यों क्लब में, और आखिर में उनके जाने का सबसे बड़ा राज क्या था, उसके बारे में वो जानने की कोशिश तो करेगा। लेकिन पलकी अब यहाँ पर हिचकिचा रही हुई सारे राज बताने में, और यहाँ पर अब पलकी को जेल से बाहर निकालने के लिए राजवीर हर एक कोशिश करते हुए नजर आएगा। उसे यहाँ पर करण का सहारा लेना पड़ेगा और शौर्य को जैसे ये बात पता चलेगी वो भी चौंक जाएगा। और आने वाले एपिसोड में काव्या भी अब यहाँ पर पलकी को दिलासा देने के लिए पहुंचने वाली है और उसके साथ साथ यहाँ पर वरुण अपने प्लान को कामयाब होते देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाएगा। और इसके बाद में आएगा सबसे बड़ा ट्विस्ट, अब वो वरुण यहाँ पर प्रीता को भी धमकाते हुए नजर आएगा कि अगर उसने कुछ किया तो यहाँ पर पूरी तरह से अब यही हालत होने वाली है काव्या की भी। तो आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं? आपको क्या लगता है, क्या प्रीता काव्या को बचा पाएगी वरुण के चंगुल से या फिर नहीं? और वहीं दूसरी तरफ कब निकलेगी यहां पर पलकी जेल से, इसके बारे में डिटेल वीडियो जल्दी देखने मिल जाएगी। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।